Welcome back to my channel. I am Shumona. Today I am going to show you a very pretty cute painting on a pillow cover. You can try it on the cushion cover too. So let's get started. यहाँ मैं एक व्हाइट कलर की पिलो कवर ले ली हूँ. आप कोई भी कलर की पिलो कवर ले सकते हैं. और यहाँ मैं फेविक्रिल की फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ. कपड़ों के लिए अच्छा होता है. कपड़े के ऊपर ही स्पेशली पेंट करते हैं इसको. और आप एक्रेलिक कलर से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. और यहाँ फेविक्रिल फैब्रिक लिखा रहता है. इसको यूज़ करने से पहले अच्छे से शेक कर लीजिए. पहले हमें ये तो मैं पहले से ही आउटलाइन ड्रॉ करके रखी थी. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. पहले मैं अपर पोर्शन को येलो कलर से फिल कर लूँगी. इसको आप कुशन कवर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं. अगर कुशन कवर या पिलो कवर अगर लाइट कलर की हो तो डार्क कलर से पेंट करें. और अगर डार्क कलर की हो आपके कुशन कवर या पिलो कवर तो लाइट कलर से पेंट कीजिए. आपकी जो पसंद है वही कलर यूज़ कर सकते हैं आप. मैं यहाँ फ्लैट ब्रश से ही कलर कर रही हूँ. पूरा काम हमें फ्लैट ब्रश से ही करना है, ओनली आउटलाइन छोड़ के ऐसे पूरा फिल कर लेना है. चाहे तो आप राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. अभी ये लोअर पोर्शन को रेड कलर से फिल कर लेना है. ये फेविक्रिल की फैब्रिक कलर मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होते हैं. आपको ऑनलाइन मिल जाएगी. मुझे तो स्टेशनरी शॉप में से ही मिल जाती है, पर फिर भी मैं देखी हूँ दुकान में बहुत कम ही मिलती है. ये अगर कलर ठीक हो थोड़ा सा पानी या मीडियम यूज़ कर सकते हैं. पानी बहुत ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि ये कलर स्प्रेड हो सकती है और ख़राब भी हो सकता है फिर कपड़ा. ऐसे पूरा फिल कर लेना है. और कलर अगर करेंट डेट की हो तो कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. मैं यह कुछ भी नहीं मिक्स की हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. टेल को भी अच्छे से रेड कलर से ही फिल करना है. आप चाहे तो कोई भी पसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं. ऐसे पूरा फिल कर लेना है. और अभी इसके ये ड्राई होने के बाद ही हमें करना है, नहीं तो ये कलर हाथ में लग जाएगी कलर और पूरा कपड़ा खराब हो सकता है. अच्छे से इसको ड्राई होने दीजिए तभी इसका नेक्स्ट स्टेप करना है. बीक को हमें ऐसे ऑरेंज कलर से फिल कर लेना है. ये जो कैरेक्टर मैं पेंट कर रही हूँ इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद ये एंग्री बर्ड के जो ग्रुप है उसके मेंबर होंगे शायद, मुझे इतना मालूम नहीं है. जो भी है लेकिन मुझे बहुत पसंद आया. और ये बहुत आसान भी है, कोई भी बना सकते हैं इसको. खाली आउटलाइन अच्छे से ड्रॉ करना है और उसके बाद इसको कलर करना है. और बच्चे को स्पेशली तो बहुत पसंद आएगा. ऐसे इसका लेग्स को भी कर लेना है. यह देखिए थोड़ा ब्रॉड बनाई थी मैंने इसका लेग, तो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ. ऑलमोस्ट हो गया है. अभी इसका आउटलाइन करना है ब्लैक कलर से. और मैं 0 नंबर की राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ. और ये काम बहुत स्लोली करना है क्योंकि ब्लैक कलर कोई भी कलर को ख़राब कर सकता है. इधर उधर कलर थोड़ा सा भी निकल जाएगा तो पूरा लुक बिगड़ जाएगा. इसको आप बहुत ही स्लो हाथ से कीजिए. मैं थोड़ा सा फर्स्ट दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, नहीं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना. कोई भी पिलो कवर के ऊपर या कुशन कवर के ऊपर ज़रूर ट्राई कीजिए. ऐसे देखिए ऐसे पूरा कर लेना है आउटलाइन. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं 0 नंबर की राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ब्लैक कलर आउटलाइन के लिए. ये देखिए अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर.